हरे कृष्णा। तो बलराम जी के आविर्भाव दिवस इस तिथि की सबको शुभकामनाएं। बलराम जी जिस दिन आविर्भाव हुए थे उस दिन यदि हम उन्हें प्रणाम अर्पण करते हैं तो उनकी कृपा हमारे ऊपर और अधिक रूप से मिल सकती है। तो आइए देखते हैं बलराम जी के लिए, जो कि भगवान कृष्ण के बड़े भैया हैं, प्रणाम श्लोक। तो श्लोक इस प्रकार से है। रेवती रमणत्वं वै बलदेवाच्युताग्रजः हलायुध प्रलम्भग्न पाहि मां पुरुषोत्तमा। रेवती रमणत्वं वै, बलराम जी जिनकी पत्नी, उनका नाम था रेवती, रेवत महाराज की पुत्री थी इसलिए उनका नाम था रेवती। रेवती के साथ उनका जो है वो विवाह हुआ था इसलिए रेवती रमणत्वं वै। रेवती के साथ रमण करने वाले भगवान कौन है? वो बलदेव, बलदेव, बलभद्र या बलराम जी, उन्हें हम जानते हैं। वही बलदेव जो सभी को आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं, बलदाता है, वो है बलदेव जी। और कौन है वो? अच्युताग्रज। अच्युत भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है, उनके अग्रज यानी बड़े भाई। तो भगवान श्री कृष्ण अच्युत, इनके बड़े भाई, वो है बलदेव। उनका आयुध कौन सा है? तो आपने देखा होगा प्रसिद्ध, उनका हाथ में एक आयुध होता है जिसे कहते हैं हल। तो इसलिए उन्हें कहा गया है कि हल आयुध, जिनका आयुध है हल, जिसके माध्यम से वो उन्होंने एक बार हस्तिनापुर की भूमि को भी खींचा था, यमुना नदी को भी खींचा था। इस प्रकार से हल आयुध, हल वो धारण करते हैं। और प्रलम्बघ्न, प्रलम्ब नाम का असुर का जिन्होंने वध किया था, हम उन्हें प्रार्थना करते हैं पाहि माम पुरुषोत्तम, हे पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष उत्तम, पाहि माम, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से हमें बलराम जी को प्रार्थना करनी चाहिए उनके आविर्भाव दिवस के दिन। श्लोक पुनः एक बार दोहराएंगे। रेवती रमणत्वं वै बलदेवाच्युताग्रजः हलायुध प्रलम्बघ्न पाहि माम पुरुषोत्तमा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।